बोलो गीता भगवान की। रोज की बात, आज हम गीता का अध्याय 11 पढ़ेंगे। श्लोकों की व्याख्या हिंदी में पढ़ेंगे केवल, है रोज के अनुसार। और तो अब हम इसको शुरू करते हैं। कहते हैं अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये आज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रयास विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा ही भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वो ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशेश्वर आपका मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उन्वास, भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भारतवंशी, तू मुझ में आदित्य को अर्थात आदित्य के द्वादशा पुत्रों को, आठ वस्तुओं को, एकादशा रूपों को, दोनों अविनी कुमारों की और 49 मरुण गणों को देख और भी बहुत से पहले न देखे हुए अक्षयमय रूपों को देख। हे अर्जुन, जब इस मेरे शरीर को एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण ज्ञात जगत को देख और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे अर्जुन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक सुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शन वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं। सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप रामदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजार सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगह को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थिति देखा। उसके अन्वंतर में आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर से संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के शतुपायों को, कमल के आसन पर विचरित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य शापों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाले देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को, ही आपको ही मुकुट युक्त, गदा युक्त और चंद्र युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज से कुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त कठिनता से देख जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य है, परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है।
आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको यदि अंत और मध्य से रहित अनंत समर्थ से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को समाप्त करते हुए देखता हूँ। हे महत्वन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समक्ष आपसे प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्ध के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ठीक, अब ये हमने 21 तक की व्याख्या पढ़ी है, अब यहीं पर इसको हम रोकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करके, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, फिर इतने की व्याख्या बोलेंगे थोड़ा सा। भगवान बोले, उत्पत्ति स्थित और प्रलय तथा आत्मयामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है, निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ, निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ। इसमें मैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें भगवान ने कहा है कि अगर दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दुखों से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत, दुख से हमें डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये संसार दुखाल अम वा तुम सब दुखाल हो, अर्थात ये संसार चिकित्सालय है, चिकित्सालय में चिकित्सा ही होती है, वैसे ही संसार में चिकित्सा में चिकित्सा होती, वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम चिकित्सालय दिया है, दुखालय जहाँ पर दुख मिलता है। दुख तो यहाँ पर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आना है तो सुख भी आएगा, इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। ये संसार दुखालय भी है और सुखालय भी है, आशा व्रत भी है, आशा वफा भी है, मतलब यही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दुखी में बदल जाती है, दर्द खुशी में बदल जाती है, यहाँ पर कुछ निरंतर परम नहीं रहता है। तो कहते सम्मान अपमान में, अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी बदली जा सकती है, जीत हार में, हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ बदला जा सकता है कुछ भी, पर किसी प्रकार से भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हमसे कोई चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं, क्योंकि ये संसार आशा व्रत है, यहाँ सब कुछ बदलने का नियम है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप यहाँ पर किसी चीज़ को भी परमानेंट मत समझो, इससे दुख से कभी डरना हमें नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें, ये आज से नहीं बहुत पुराने समय से यही लोग कहते हैं कि हमें कभी दुख से नहीं डरना चाहिए, दुख परमानेंट नहीं होता है, ना
सुख परमानेंट है, ना रहना परमानेंट है, ना जन्म परमानेंट है, ना मृत्यु परमानेंट है। जब यहाँ पर कुछ परमानेंट है ही नहीं, तो हम मृत्यु से क्यों डरे या किसी चीज से क्यों डरे। मतलब है कि भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने सुख के लिए किसी से भी धनात् पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना मत करो। याचना के लिए दिए पदार्थों को किसी से सेवा स्वीकार करना, किसी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा मत रखो इत्यादि, स्वार्थ के लिए मत करो। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय सकाम संवेदना प्राप्त हो जाए तो जो कि स्वरूप हो तो सकाम हो, परंतु उसको करने से किसी को कष्ट न पहुंचता हो, कर्म उपासना की परंपराओं में किसी प्रकार की बाधा न आती हो, तो सर्वथा का त्याग कर केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। इसके लिए दूसरों से सेवा करने के भाव, इस सब का त्याग करना ही चौथी श्रेणी में आता है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों के स्वीकार करने से किसी को कष्ट पहुंचता है तो लोक शिक्षा किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, तो उस अवसर पर सर्वथा का त्याग करके केवल उसकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र नौकर आदि से हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थ स्वीकार न करने से उनको कष्ट होता है होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। इसलिए अगर कोई किसी की प्रसन्नता मिलती है किसी को, तब आप उससे भोजन पानी या कोई सेवा ले सकते हैं, परंतु जब आपको कोई कुछ देता है और उस देने वाले को कष्ट होता है तो आप उससे किसी प्रकार की सेवा मत लीजिए। इससे आपका शरीर दूषित होता है और आपको पाप लगता है, आप पाप मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब कोई बिना मन भाव से तुम्हारी सेवा भोजन इत्यादि दे, पानी दे, किसी प्रकार की सेवा बिना मन से करता है, वो सेवा लेना व्यर्थ है, उस सेवा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए पाप है, वो नर्क का द्वार है। गोविंद चले आओ उपाल चले आओ, गोविंद आओ गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते, हो कुछ ऐसा करो मोहन कुछ ऐसा, ओ मोहन सासों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन सासों में समा जाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव गोविंद चले आओ, ओ मेरे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ, एक बार प्रभु आओ चाहे आके चले जाओ, एक बार प्रभु आओ चाहे आके चले जाओ, तुम्हें जान नहीं देंगे तुम्हें जान नहीं देंगे, जरा जाके दिखाओ तुम्हें जान नहीं देंगे, जरा जाके दिखाओ तुम गोविंद चले
आओ गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर, आधो मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले, ओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते, ये अर्ज मेरी अब और न तरसाओ, ये अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले, ओ मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, एक शर्त जमाने सी प्रभु हमने लगा ली, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली, या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले, ओ या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, ओ बिंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव मेरे मुरली रे माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गीता भगवान की जय। हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत।